क्या भुवनेश्वर बेस्ट सिटी है स्टार्टअप्स के लिए पूरे भारत में? हम 2 फरवरी को भुवनेश्वर आ रहे हैं अपना 3 घंटे का सॉलिड बिजनेस ग्रोथ मास्टर क्लास लेकर, और इसीलिए हमने बहुत सारी रिसर्च की भुवनेश्वर के ऊपर। हमने देखा कि कौन से स्टार्टअप हैं जो वाकई अच्छा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अच्छा, और क्या गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, ऐसा कैसे है, अगर भुवनेश्वर सबसे अच्छी सिटी है तो क्यों है। इस पर हमने काफी डिटेल में रिसर्च की है, वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत सारे पॉइंट आपको भी मिलेंगे। और कोई भुवनेश्वर है उसके आसपास के शहर से हो तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना। और आखिरी तक देखा तो एक गिफ्ट भी आपके लिए रहेगा, और वो आखिरी में मैं बताता हूँ क्या रहेगा। तो पहले बात करते हैं टॉप स्टार्टअप जो भुवनेश्वर के सामने आए हमारी रिसर्च में। एक स्टार्टअप आए जिनका नाम है हेलो डॉक्टर 24x7। इनके फाउंडर है मिस्टर संजय दास, और संजय दास जी ने ये जो स्टार्टअप बनाया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप डॉक्टर हैं, और अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए, मशवरा करनी है, तो आप डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं उनको कॉल करके। तो इस तरीके का एक पोर्टल टाइप का बनाया है, काफ़ी अच्छा है। दूसरा स्टार्टअप हमने देखा वो तत्वा टेक्नोलॉजी थे, उनके फाउंडर है मिस्टर तपेंद्र सेनापति जी, और इनका जो स्टार्टअप है ये IT सर्विसेज में मोस्टली डील करते हैं, और इनके क्लाइंट्स हैं जैसे कि आइडिया, यूनिसेफ, डिश टीवी जैसे बड़े बड़े क्लाइंट हैं। काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने भी, और काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ था नेट पे इनके बारे में भी। तीसरे जो कंपनी हमने देखा उसका नाम था स्लिक अकाउंट, अब ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, GST एंड रजिस्ट्रेशन और इस टाइप की चीज़ों में हेल्प करती है, GST की फाइलिंग एंड ऑल में। तो यू नो जो ERP का अकाउंट वाला वर्जन होता है तो उस तरीके का काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरीके के कुछ स्टार्टअप्स हमारे सामने आए। अब बात करते हैं क्यों है भुवनेश्वर अच्छा स्टार्टअप्स के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो देखिए बड़ा ऑब्वियस सा है, क्योंकि भुवनेश्वर के आसपास के एरिया में काफ़ी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है, रिसर्च का एनवायरमेंट अच्छा मिल जाता है। दूसरा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है, क्योंकि अभी भी चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं वहाँ पर कंपेरेटिव टू बाकी जगह, और उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर काफ़ी मिल जाता है वहाँ पर, और इन्फोसिस, TCS, Mindtree जैसी कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी हैं भुवनेश्वर में, और साथ में वर्ल्ड बैंक ने इसको कहा है कि ये बेस्ट है स्टार्टअप्स के लिए भुवनेश्वर सिटी इस समय। सो आप समझ सकते हो कितना पोटेंशियल है। अब मैं बात करूंगा कि हुआ कैसा संभव, एक भुवनेश्वर सिटी Tier 2 सिटी के लिए ये कैसे संभव हो पाया कि वो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया कि वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू बी इन टू हैव अ स्टार्टअप बोला गया। तो देखिए सबसे पहला तो भुवनेश्वर की या उड़ीसा की कहें जो गवर्नमेंट है उसने तगड़ा सपोर्ट दिया है, इंगेजमेंट भी बनाए रखते हैं, और इसी के साथ KIIT जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की काफ़ी फेमस है कलिंग, तो उस यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया है जो कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप कल्चर के लिए, उसका नाम है TVI, वो काफ़ी सपोर्ट करता है, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी होते रहते हैं, MSME से भी एसोसिएटेड है, और ये जो TVI है इसके इंटरनेशनल लिंक भी बहुत सॉलिड है, चाहे वो US मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, बहुत ही तगड़े लिंक है। यहाँ तक कि उड़ीसा यूथ इनोवेटिव फंड करके भी जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि यूथ जो है उड़ीसा के और इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने मतलब 2-2 करोड़ रुपए तक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और अवार्ड 50,000 रुपए का है जो सिर्फ आइडिया के बेसिस पे भी फंड कर रहे हैं। ओला, उबर, इवन फूड स्टार्टअप्स भी काफ़ी एक्सटेंड कर रहे हैं इस समय भुवनेश्वर में, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो मार्केट है वहाँ का बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से मैच्योर हो रहा है और नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट और ट्राई आउट करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट जो उबर के सिटी मैनेजर थे वरुण मुंदकर, अब थे या हैं आप देख लेना, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कोट किया कि ऊबर की जो एक्सपेक्टेशन थी भुवनेश्वर से उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, ओवरवेलमिंग रहा उनका रिस्पांस, लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जितना रिस्पांस मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पांस दिया। तो देखो यार अगर आप भुवनेश्वर से हो, आप सोच रहे हो कि शायद आपके यहाँ वो आइडिया नहीं चलेगा, मे बी इससे पहले वो सिचुएशन थी, लेकिन 2020 एक नया दशक शुरू हो चुका है, एक नया डिकेड है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, आपके लिए तो सबसे बेस्ट है अगर आप भुवनेश्वर या उड़ीसा में कहीं से भी हो तो आपके लिए तो सबसे, इनफैक्ट सारी ही Tier 2 सिटी वालों से मैं बात कर रहा हूँ, आप सोचो जो Tier 1 सिटी या Tier 2 सिटी जो आपसे आगे हैं वो जो ऑलरेडी कर चुके हैं, इवन वो भी अगर आप कर लेते हो अपने शहरों में ना, तो आप वहाँ के बेस्ट बन जाओगे।
है, बहुत इजी गेम है। इस समय ये पोटेंशियल है, लोगों को लगता है बड़े शहरों में बड़ा पैसा है, नहीं, असली पैसा इस समय छोटे शहरों में। इवन हम लोग भी टीयर टू सिटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं देख रहा हूँ इवन बड़े बड़े लोग जो टीयर वन सिटी पे ही वर्कशॉप करते थे, वो अब टीयर टू सिटीज में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीयर टू सिटीज बड़ा पैसा है। तो अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो 2 फरवरी को मैं आ रहा हूँ भुवनेश्वर आप ही के शहर में, और वहाँ पे आप मिलिए, मुझे शेयर कीजिए, जो हेल्प हो पाएगी मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ऑलरेडी अगर बिजनेस में है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, ऑलरेडी सिस्टम बने हुए हैं तो उसको बेटर करके हम बहुत जल्दी बहुत मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ देख सकते हैं। राइट नाउ 99% लोग इस वीडियो को भी बाकी वीडियोस की तरह देख के निकल जाएंगे, 1% लोग होंगे जो इस पर एक्शन लेंगे, खासकर जो भुवनेश्वर में है उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप भुवनेश्वर में हो, आपने रजिस्टर नहीं किया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं इस बार, जो 2500 रुपये का हमारा इवेंट है, वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, आपसे बस मिलना चाहता हूँ, आइए मिलिए, देखिए अच्छा लगेगा। और आपसे मैंने कहा था कि वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो एक गिफ्ट भी है, गिफ्ट बहुत सिंपल है आपके लिए, इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, जिसका आंसर बेस्ट रहेगा उस बंदे से मैं पर्सनली 1-on-1 बात करूंगा, पेड होता है, आपके लिए पेड नहीं होगा, ये मेरी फैमिली है इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपकी मैं कोशिश करूंगा आपके करियर या बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत हो उसको हेल्प करने में, उसको सॉल्व करने में। आपके हर एक कमेंट को मैं बहुत ध्यान से पढ़ने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को और हमको सही लोगों तक पहुंचाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करके, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके, रोज 9:30 बजे नियम से वीडियोस बैक टू बैक देखकर सीखकर अप्लाई करने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच।